दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खुद को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य सुजानपुर शहर के एक परिवार ने शुरू कर दिया है। लोकल को वोकल बनाने का सपना सजाए शहर के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले सुभाष कुमार और उनकी पत्नी सुनीता कुमारी ने घर पर झाड़ू बनाने का कार्य शुरू किया है। हाथों से झाड़ू को ब्रांडेड झाड़ू की शेप देने में इस दंपति का कोई जवाब नहीं। खजूर की पत्तियों का बनाया झाड़ू इस तरह से तराशा जा रहा है कि इसके आगे बाजार में महंगे दाम पर बिकने वाला झाड़ू सब जीरो है। बाजार में बिकने वाला झाड़ू जहां 80 से 200 रुपए में मिल रहा है, वहीं इन सब रेट को पीछे करते हुए इस दंपति ने खुद बनाए गए झाड़ू की कीमत मात्र 40 रुपए रखी है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान चलते हुए यही हमारे मन में आया तो हमने ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। समय के अनुसार जैसे समय पड़े वैसे ही आदमी को स्थिति में ढालना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेडा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। CM जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। होस्टल ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में BA, LLB, LLB, BSc नर्सिंग व GNM नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।